कौन है पिंटू महतो, जिसकी कहानी पर आधारित है खाकी द बिहार चैप्टर। नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है खाकी द बिहार चैप्टर। यह सीरीज आईपीएस ऑफिसर अमित लोढ़ा द्वारा लिखी गई किताब पर आधारित है, जिसमें उन्होंने बिहार में अपनी पोस्टिंग के दौरान हुई घटनाओं का पूरा सच बताया है। जब से यह सीरीज रिलीज हुई है तब से सबसे ज्यादा चर्चा गैंगस्टर चंदन महतो की हो रही है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर बिहार पर आतंक बरसाने वाला यह शख्स कौन है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि आज से करीब 25 साल पहले एक ऐसा दौर था जब बिहार मर्डर, डकैती, अपहरण जैसी वारदात के लिए देश भर में कुख्यात था। हर दिन सुर्खियों में बनी रहने वाली खबरों में कोई न कोई खबर बिहार से जुड़ी रहती थी। इन घटनाओं को जोड़ते हुए इस सीरीज को तैयार किया गया है। बिहार पर आधारित इस वेब सीरीज में दो मुख्य किरदार हैं, एक अमित लोढ़ा आईपीएस और एक चंदन महतो गैंगस्टर। इस खबर में हम आपको चंदन महतो की असल जिंदगी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। चंदन महतो नहीं, पिंटू महतो था असल नाम। जी हाँ, असल जिंदगी में चंदन महतो का नाम पिंटू महतो था। पिंटू अशोक महतो गैंग्स का सबसे खतरनाक और शातिर गैंगस्टर था और उस समय अशोक का गैंग बिहार पर राज किया करता था। पिंटू महतो पर कांग्रेस के एमपी राजीव सिंह की हत्या समेत बीडीओ की हत्या पर भी आरोप लगा था। हालांकि साक्ष्य के अभाव में पिंटू लगभग सभी मामलों से बरी हो गया है। गैंगस्टर पिंटू महतो पर 30 मर्डर और अपहरण के केस थे। साल 2002 में वह अपने साथियों के साथ नवादा जेल भर भी तोड़कर भागे थे। उन पर जेल तोड़ने से पहले साथियों संग मिलकर दो पुलिस वालों की हत्या करने का भी आरोप था। अमित लोढ़ा ने किया था चंदन महतो और अशोक महतो को गिरफ्तार। बता दें, अमित लोढ़ा ने चंदन महतो को गिरफ्तार किया था। बात तब की है जब बिहार के शेखपुरा जिले में अशोक महतो और पिंटू महतो का आतंक था। तब वहां आईपीएस ऑफिसर अमित लोढ़ा का ट्रांसफर हुआ था, जिसके बाद अमित लोढ़ा ने अपनी होशियारी और समझदारी और टेक्नोलॉजी की सहायता से पिंटू को सिर्फ 3 महीने में अशोक और पिंटू यानी चंदन महतो को अरेस्ट करके आतंक से मुक्त कराया था। अब क्या करते हैं पिंटू उर्फ चंदन महतो? असल जिंदगी में पिंटू महतो जेडीयू में शामिल हो गए हैं। पिंटू महतो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के मेंबर हैं और उनकी पत्नी चुनाव भी लड़ चुकी हैं। बता दें कि किताब का नाम लाइफ इन द यूनिफॉर्म एडवेंचर ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर इन बिहार है। सीरीज में सुपर कॉप अमित लोढ़ा और सुपर विलेन चंदन महतो को दिखाया गया है। इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे बिहार के सबसे खतरनाक क्रिमिनल को पुलिस ने पकड़ा था। चंदन महतो का किरदार अविनाश तिवारी ने निभाया है और वहीं पुलिस ऑफिसर अमित लोढ़ा का किरदार करण टैकर ने अदा किया है। तो दोस्तों, ये थी चंदन महतो का जीवन परिचय।